वो बुजुर्ग आदमी देख रहे हो, जब वो हमारी उम्र का था ना, उसकी शादी के लिए इतने रिश्ते आए करते कि वो परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने तंग आके अपने घर वालों को बोल ही दिया कि शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से जिसके अंदर ह्यूमर हो, जो बात को एक बारी में समझ जाए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, अभी तक कवार आए, ऐसी लड़कियां हैं कहां? मतलब देख ले बेटा, तेरी गलती ना है, तू लड़की है ना। ओ हेलो, हम लड़कियां भी ना लड़कों से कम नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा, लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधे मिलाकर चलती होंगी, माना, पर होती ह्यूमरलेस ही हैं। अरे भाई ये बात तो तू सही कह रहा है, पर एक बात बता, आज तेरी सेटिंग नहीं, तू हमारे साथ बैठा है, वरना तो हमें पूछे भी ना है। भाई कैसी बात कर रहा है यार, दोस्त तो सबसे पहले है, कल तो आएगी वो, कल देख लियो, कल भी तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। कोई ना, कल भी देखेंगे। देख रही है, बदल गया ना सेटिंग के आते ही, कल कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था और आज देख ले, इन वजनों का कुछ नहीं कर सकते। जब जब इन दोनों को एक साथ देखता हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बहुत हुआ इन लैला मजनू का ड्रामा, अब और नहीं। बच्चों तुम्हारे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हर बार की तरह योगेश तुमने टॉप किया है 99% के साथ, और मनीष तुम इस बार भी पॉइंटों पे पास हुए हो। सर पास तो हो गया ना, पास होना चाहिए बस, वैसे भी पढ़ाई लिखाई कौन सा काम आनी है, जॉब तो जब भी अप्रोच से ही मिलनी है, और प्यार मोहब्बत में जिंदगी कट जाओ उससे बढ़िया तो क्या ही होएगा। यार पटियाला क्या चक्कर है भाई, आज फिर ना आई वो, इतने दिन हो गए स्कूल क्यों ना आ रही यार? अरे भाई अब वो कभी स्कूल आएगी भी ना। क्यों? थोड़े दिन पहले योगेश ने तेरे और उसके बारे में मास्टर से लंक लगा दिए। सर आजकल बहुत आशकीबाजी चल रही है आपकी क्लास में। क्या मतलब? आपको नहीं पता क्या, पूरी क्लास को पता है कि मनीष और हिमानी का चक्कर चल रहा है। अगर 12th क्लास के बच्चे ये सब करेंगे और बाहर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी हमारे स्कूल की, और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा तो फर्ज था सर आपको बताने का, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और वो सारी बात मास्टर ने जाके उसके घर बता दी, जिस वजह से उसके घर के ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। ठीक ना करा बेटा तने? मैंने क्या किया है? पता तुझे भी है और पता मुझे भी है कि तूने क्या करा है, पर मैं इस चीज का बदला जरूर लेऊंगा। ओए सुन, मैं इस क्लास का टॉपर हूँ और तू ठहरा फेलियर। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना आज ना कल और ना 5 साल बाद। वो तो टाइम बताएगा कौन किसका क्या बिगाड़ेगा, पर ये चैलेंज तेरा बहुत महंगा पड़ेगा। छोटू एक नारियल पानी दियो। तू आता ना, चैलेंज भारी पड़ जाएगा। मतलब योगेश ने जो कुछ भी करा ठीक ना करा, पर अब मेरी बारी है भाई। उसके हाथ पैर तोड़ दूं? उससे भी बुरा। तो भाई अब की बार होली पे उसके बालों में वीट लगा के उसे गंजा कर दें? उससे भी बुरा भाई। वो देख उसका बाप आ रहा, अब मैं लूंगा बदला। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है अंकल, योगेश ने तो टॉप मारा है स्कूल में। हाँ भाई, पढ़ाई में तो बचपन से ही होशियार है। फिर क्या सोचा उसके फ्यूचर का? भाई यही कि उसका किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए और उसकी जिंदगी सवर जाए। उसकी सवर गई तो मेरी सवर गई। अंकल एक कॉलेज है तो सही, पर आप उसका एडमिशन वहाँ करवा नहीं पाओगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे, ऐसा कौन सा कॉलेज है? अंकल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर वहाँ उसका एडमिशन हो गया ना तो उसकी लाइफ सेट है। अच्छा जी, अब तो मैं उसका एडमिशन उसी कॉलेज में कराऊंगा, चाहे मुझे प्रधानमंत्री की अप्रोच लगवानी पड़ो, अब तो मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा।
और इस तरह तेरे बाप ने मेरी बातों में आके तेरे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा दिया। और इंजीनियरिंग करने के बाद क्या हाल हो करे वो तो तुझे पता लग ही गया है, और हमें तो पहले से ही पता था। रही मेरी बात, मैं तो 12वीं करते ही डीलर बन गया था। इसे कहते हैं असली बदला।